जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राध हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम
श्याम सुंदर राधे, जय गौर निताय, जय गौर निताय, गौर निताय, जय पंच तत्व, जय पंच तत्व, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जय सुदर्शन, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 निताय निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री नित्याय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटेड हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज। गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु 23। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 23 बोर्ड पे लाइए, 23 बोर्ड पे लाइए, 6 से 23, 6 से 23 बोर्ड पे लाइए। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 21 और अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। और आज का जो श्लोक क्रमांक है 6 से लेकर के 23 तक, 6 to 23। तो 6 से लेकर के 22 तक कोई पर्पट श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम उच्चारण जो करेंगे अभी वो 23 का करेंगे, फिर मैं बाद में 6 से लेकर के 20
टू तक आऊँगा और 23 की व्याख्या करूँगा। भवद्भि निर्जिता हेते बहुशो अनुचरा हरे दैवेन रिद्धे वाद्य दैवेन रिद्धेस्तत एवाद्य युधि जित्वा नदन्तिनः भवद्भि निर्जिता हेते बहुशो अनुचरा हरे दैवेन रिद्धेस्तैवाद्य युधि जित्वा नदन्तिनः भवद्भि निर्जिता हेते बहुशोनुचरा हरे दैवेन रिद्धेस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्तिना। भवद्भि निर्जिता हेते बहुशो अनुचरा हरे दैवेन रिद्धेस्ते वाद्य युधि जित्वा नदन्तिनः भवद्भि निर्जिता हेते बहुशो अनुचरा हरे दैवेन रिद्धेस्ते वाद्य वैष्णवी भवद्भि निर्जिता हेते वैष्णवी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। भवद्भि तुम सारे असुरों के द्वारा निर्जिता पराजित किए गए थे ही निसंदेह एते देवताओं के सारे सैनिक बहुशः बड़ी संख्या में अनुचरा अनुयायी हरे भगवान श्री विष्णु के दैवेन भाग्यवश रिद्धे ऐश्वर्य बढ़ने से ते वे देवता एव निसंदेह अद्य आज युधि युद्ध में जित्वा जीत कर नदंती हर्ष से नाद कर रहे हैं।
नह हमें। पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह उल्लास से दहाड़ रहे हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इन 5 में से दैव सबसे अधिक शक्तिमान है, नच दैवात परम बलम। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल में दैव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे, क्योंकि वही दैव अब उनके अनुकूल नहीं था, अतएव उनकी विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपने अनुचरों को लड़ने से वर्जित किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमानम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी असत्य देश तारिणी गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुबंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरण अरविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरण अरविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ। जो मुझ अधम पतित पे जो आज अहित की कृपा हुई है, जो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के आज 21वें अध्याय का 6 से लेकर के 23 तक के श्रील प्रभुपाद के कथनों को हम प्रस्तुत करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, इसलिए आप सब वैष्णव मुझ पे कृपा करिए ताकि मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, मेरा अपना कोई अपना अभिमत न हो। हरे कृष्णा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, भागवतम के चतुर्थ स्कंद में 27वें अध्याय में और 28वें अध्याय में ये बात
लिखा गया है, जब कोई प्रार्थनाएं या कोई भी उक्ति किसी ग्रेट आचार्यों के द्वारा या कोई बड़े वैष्णवों के मुख से जब वो उच्चारण किया जाता है ना, तब उस प्रार्थनाओं की गरिमा, प्रार्थनाओं का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वैष्णव आचार्य और वेद शास्त्र पुराण कहती है, हमें वही प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए जो आचार्यों के द्वारा गाया गया है, जो बोला गया है पूर्व में। तभी तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं, हमें वो वैष्णव गीत गाना चाहिए जो हमारे आचार्य गुरु परंपरा में आए हैं और ग्रेट आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने गा करके उन प्रार्थनाओं में, उन गान में बहुत ज़्यादा शक्ति डाल दिए हैं। नहीं तो उसमें कोई शक्ति, ऑलरेडी उसमें शक्ति है, लेकिन जब वो आचार्य गाते हैं तो उनमें शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी यही बात है श्रीमद् भागवत के साथ, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो श्रीमद् भागवतम है जो आज हम सबको प्राप्त हुआ है, ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्रील व्यास देव के जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु के आदेश और प्रेरणा से ये श्रीमद् भागवतम जो 18 पुराणों में सबसे उच्चतम पुराण है, सर्वोत्कृष्ट पुराण है, इसकी गरिमा तब और बढ़ गई, ये अमृत तुल्य हो गया जब यही श्रीमद् भागवतम श्रील व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निःसरित हुआ। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसलिए इस भागवतम को हम सब उच्चारण करने से हमारे हृदय की कलुषता, सारे चीजों का अंत हो जाता है और शोक मोह भय जो है ना अनुक्रमस्यति, ये शोक मोह भय जो है धीरे धीरे अपने आप हमारे हृदय से गायब हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का प्रभाव है, वैष्णव आचार्यों के मुख से गाए हुए चीजों का प्रभाव है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर में जो है मुख्य भागवतम कक्षा को यहाँ पर में जो है रखा गया है। तो आज हम 6 से लेकर के 22 तक के श्लोक का उच्चारण करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर प्रभु जी, तो ये समरहने श्रग भीर दिव्य गंधानु लेपनई धूपैर दीपै सुर भीर भी लाजाक्षत फलांकुरे अस्तवनेर जय शब्देश तद वीर्य महिमांकितै नृत्यवादित्र गीतैश्च शंखदुंधुभिनी स्वनै। तो ये भगवान के चरण कमल को धोने के लिए, तो ये मतलब जल, यहाँ पर मैं 6 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, जब भगवान वामन देव एक ब्राह्मण बटुक के रूप में यहाँ पर मैं आए थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ संक्षेप में, और बलि महाराज के यज्ञशाला में उपस्थित होकर के बलि महाराज प्रसन्न हो गए वामन ब्रह्मचारी को देख करके और बोले पूरे ताव में आकर के एकदम गर्वित होकर के, हे बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी, आपको जो भी चीज़ की इच्छा है आप मुझसे मांग लीजिए, इतना मांगिए जो कभी फिर से किसी के यहाँ याचना ना करना पड़े। लेकिन वामन देव जो है बोले, मुझे, मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए। बीच में शुक्राचार्य जी उपस्थित होते हैं, बलि महाराज के गुरुदेव, कहते हैं ये वामन के रूप में जो आज आपके सामने में प्रस्तुत हुआ है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक विशेष कार्य से जो है ना यहाँ पर मैं आया है। कह रहे हैं द्विज रूप प्रतिछन्नो देव कार्यम चिकित्सित, ये ब्राह्मण बटुक के रूप में अभी दिखाई दे रहा है लेकिन
दैव कार्य चिकित्सित देवताओं को काम बनाने के लिए आज आपके पास उपस्थित हुआ है। इसलिए हे बलि महाराज सावधान, आप इनको देने से पहले, कुछ बोलने से पहले सावधान हो जाइए, इनको मत दीजिए कुछ। तो बलि महाराज सोचते हैं मैंने तो वचन दे दिया है और बीच में जो है बाधक बन के आ गए हैं हमारे गुरु महाराज। तो एक सिद्धांत बहुत बड़ी आती है यहाँ पर। मैं कह रहे हैं भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो इस जीवन, मनुष्य जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य है, इस उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर अपना गुरु भी सामने आ जाए तो उनको भी त्यागना कोई पाप का कारण नहीं है। इसलिए बलि महाराज ने इनको त्याग की अपने गुरु का, क्योंकि बलि महाराज कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर बैयास की वयम श्रीमद् भागवतम 6.3.20। जहाँ पर मैं स्वयं यमदेव बता रहे हैं ये बलि महाराज 12 महाजनों में से एक महाजन है। महाजन कौन? बनिया जो धान और चावल तौलते हैं? नहीं, महाजन का मतलब होता है जो भगवान को तत्वतः जानते हैं, भगवान को जानते हैं वो महाजन। तो बलि महाराज वो हैं जो भगवान को जानते हैं, भगवान को देखे और समझ गए जो गुरुदेव इनमें बाधक हो रहे हैं, इसलिए गुरुदेव को भी साइड कर दिए और गुरुदेव इनसे कुपित होकर के क्या बोल दिए, श्री विहीन हो जाओ, श्री विहीन हो जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, साप दे करके वहाँ से चले गए। और भगवान अपने, बलि महाराज अपने अंजलि में जो है जल को लेकर के जो है वचन दे दिए जो मैं आपको 3 पग भूमि देने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर मैं एक प्रसंग इसमें आता है, बलि महाराज ने बोला लोकानाम ईश्वरम, अहम लोकानाम ईश्वरम, मैं सारे लोकों का ईश्वर हूँ। इसलिए हे बलि महाराज वामन देव, आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए ताकि किसी और के पास याचना करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो शब्द था ना बलि महाराज का, लोकानाम ईश्वरम, जो मैं इस जगत का, सारे जगत का ईश्वर हूँ, इसी को नाश करने के लिए भगवान वामन देव ने इनका ये पूरा का पूरा लीला का बैकग्राउंड है अभी और सुनेंगे हम। तो यहाँ पर मैं जब ये वामन देव अपने वचन तो ले लिए लेकिन अपना स्वरूप अब चेंज कर लिए और स्वरूप इतना चेंज किए, इतना त्रिविक्रम स्वरूप ले लिए जो एक पग से पूरा का पूरा स्वर्ग लोक नाप लिए और अपने शरीर को इतना विशाल करके जो है और पैर को बड़ा करके धरती लोक को नाप लिए और तीसरा पग रखने का अब उनको जगह नहीं मिला। तो बलि महाराज को बोलते तुम्हारा वचन झूठा हो गया, इसलिए तुम्हें अब नरक मिलेगा। और अंत में जो है बलि महाराज ने बोला जो आप जो है तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर मैं आत्मसमर्पण, जो समर्पण का जो भाग है अपने आप को दे देना, ये है। जब त्रिविक्रम स्वरूप से ये तीनों लोक नाप लिए, बलि महाराज के सिर पे भी चरण रख दिए, उसके बाद जो है भगवान जो है त्रिविक्रम स्वरूप को क्या बोलते हैं तिरोहित करके स्वयं अब पूर्ववत वामन स्वरूप में हो जाते हैं। जब वामन स्वरूप में हो जाते हैं तो यहाँ से श्लोक है, तो ये समरहने श्रृगवीर, सारे के सारे ऋषिगण महात्मागण देवतागण जो ब्रह्मा हैं या ब्रह्मा के जो पार्षद हैं वो क्या किए, जल को लेकर के जल हैं समरहने, जैने भगवान को पूजा करने के लिए अर्घ्य पात्र सभी तरह के सामग्री और सुगंधित फूल, यहाँ पर मैं शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद, जो सुगंधित फूल हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई भी फूल उठा करके भगवान को, क्योंकि भगवान को सुगंधित खुशबूदार फूल की मालाएं और खुशबूदार फूलों उनको पसंद है, इसलिए उनको अर्पण करना चाहिए। कह रहे दिव्य गंध अनुलेपने, और भगवान को वामन देव को चंदन अगरू और शरीर पे
चंदन से जो है उनका लेप किए और धूप है धूप के द्वारा, दीप है दीपक के द्वारा, असुर भी सुगंधित अत्यंत सुगंधित के लाज लब्बा अक्षत अक्षत धान के द्वारा, फल के द्वारा, जड़ों अंकुरों के द्वारा और स्तुतियों के द्वारा। जब पूजा करते हैं तो स्तुति भी करते हैं ना भगवान की, स्तुति जरूरी है। और कह रहे हैं उसके साथ यही नहीं, तत् वीर्य महिमा अंकित, ऐसी स्तुति होनी चाहिए जिसमें भगवान की वीर्य का महिमा का गायन किया गया हो। ये नहीं कि कुछ और चीजों का हम गायन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, नित्य नृत्य वादित्र गीते च शंख दुंदुभि निस्वने, और शंख दुंदुभि ये सब सारे चीज बागे नगारे मृदंग बज रहे हैं। और भक्तगण क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के अनुचर और ब्रह्मा जी जो नृत्य वादित्र गीते ये गायन कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जब मंगल आरती में दर्शन देते हैं तो उस समय में भक्त लोग इतनी ठंडी में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के भगवान के श्री चरणों में नित्य वादित्र गायन करते हैं। किसी भी तरह का यहाँ पर मैं आलस्य नहीं करते, यही विधान है। भगवान के सामने में नृत्य करना चाहिए, जो भगवान के सामने में नहीं नाचता उसको दुनिया माया नचाती है और वो जीवन भर नाचता रहता है। इसलिए भगवान के सामने में जो व्यक्ति नाचता है ना उसको माया फिर नहीं नचा पाती, क्योंकि उनका कोटा नाचने की कोटा खत्म हो जाती है। किसी का कोई कोटा होता है ना भाई, इतना नाच सकता, उससे ज्यादा नाच ही नहीं सकता, तो कोटा तो उसने मंगल आरती में नाच करके खत्म कर दिया। तो अब क्या दुनिया में माया पड़े, जो आएगा मंगला उसके जीवन में न होगा कभी अमंगला। तो जो मंगला आरती में नाच कर लिया, नृत्य कर लिया, वादित्र गायन कर लिया, वो क्या गायन करेगा बाद में जाकर के और नाच करेगा, उनका सारा चीज खत्म हो जाता है। और भगवान प्रसन्न होकर के माया के बंधन से उनको मुक्त कर देते हैं। जाम्बवान ऋक्ष राजस्तु भेरी शब्देर मनोजब विजयम दिक्षु सर्वासु महोत्सव मघोषत। इस भगवान वामन देव का जो प्रताप इतना फैला हुआ था, जो उन्होंने बलि महाराज को जो है आदेश दे दिया जो इनको बांध दो, और इस आदेश को पा करके वरुण देव वरुण पास से जो है इनको बांध दिए हैं। और इस बात को जो ऋक्षों के राजा जो जाम्बवान है, ये भगवान की इस महिमा को पूरे जगत में, विजय की उत्सव को पूरे जगत में, वामन देव की विजय की महोत्सव को उन्होंने फैला दिया। महिम सर्वाम हृताम दृष्ट्वा त्रिपद व्याजयांचया उचु स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्ममर्षिता। यहाँ पर मैं बता रहे हैं, जब बलि महाराज के आसुरी अनुयायियों ने देखा, जो उनके स्वामी जो है ना यज्ञ संपन्न करने का संकल्प ले चुके हैं, और संकल्प ले करके यहाँ पर मैं उनको जो है बलि को बांध दिया है, सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पर मैं उनको देख करके यज्ञ में दीक्षित होकर के बलि महाराज उनको भगवान को त्रिपग भूमि देने का जो है वचन दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैं श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं, त्रिपद विषया या ब्याज यांचा कपट कपट यांचा। यहाँ पर मैं श्रीधर स्वामी बात बता रहे हैं, जो भगवान यहाँ पर मैं वामन देव एक तो छोटे बौना स्वरूप में आ करके तीन पग भूमि पहले मांगे हैं, और तीन पग भूमि का जब वचन साइन हो गया है तब क्या किए, अपने स्वरूप को बढ़ा लिए हैं, ये उचित बात नहीं है। कह रहे हैं ये कपट यांचा, ये याचना जो है कपट यांचा, यहाँ पर श्रीधर में ब्याज यांचा, एक तो मांग रहे हैं और मांगने में भी जो है ना कपटमयी याचना के द्वारा जो है ना इस तीन पग भूमि यानी कि पृथ्वी को अपहृत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं स्वभर्तु त्रिपद भूमि को अपहृत करके, और अपहृत जब कर रहे हैं तो इसको देख करके ना बलि महाराज के जो अनुयायी है ना वो अब
अपने स्वामी को खुश करने के लिए, अपना कर्तव्य समझ करके, धर्म समझ करके लिए नामा अश्लोक बोलें, महिम सर्वाम हृताम, ये तो बोले नवायम ब्रह्म बंधुर विष्णु माया विनाम्बर द्विज रूप प्रति छन्नो देव कार्यम चिकीर्षत, द्विज रूप प्रति छन्नो देव कार्य चिकित्सती, ये देवताओं को काम बनाने के लिए द्विज का स्वरूप धारण किया है और ब्राह्मण का जो है रूप धर के बलि को ठगने के लिए स्वयं भगवान वामन देव यहाँ पर में आ गए हैं। तो देखिए स्वयं भगवान जो है अपना स्वरूप चेंज करके याचना करते, देखिए हर चीज को एक्टिविटी को करने के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम की आवश्यकता है। मान लीजिए हम सब वैष्णव हैं, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट्यूम अलग है ना। अभी हमें मान लीजिए स्विमिंग करना है तो स्विमिंग हम ये धोती कुर्ता में जा करके करेंगे तो एक मिनट स्विमिंग नहीं करेंगे और मर जाएंगे डूब करके। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम अलग होता है ना तैराकी के लिए। अगर हवा में तैरना है तो उसका कॉस्ट्यूम अलग है। अब यहाँ पर मैं भगवान वामन देव, भगवान को कुछ मांगना है किसी के यहाँ तो वामन स्वरूप में आकर के और आ गए हैं वामन स्वरूप लेकर के और मांग रहे हैं, लेकिन कपट भरा फिर विशाल रूप धर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बता रहे हैं, जो इंद्र महाराज जो है महाराज पृथ्वी के यज्ञशाला में जो निनान सौमा यज्ञशाला यज्ञ हो रहा था ना, उसमें स्वयं इंद्र जो है सन्यासी का वेश धारण करके और यहाँ पर मैं चोरी करने के लिए आ गए। तो यहाँ पर मैं स्वयं ब्रह्मा जी आकर के बलि राजा पृथ्वी को बताते हैं आप यज्ञ को बंद कर दो, क्योंकि जो इंद्र जो है गलती पे गलती किए जा रहा है, इस गलती की प्रथा आगे स्टार्ट हो जाएगी ताकि इस प्रथा को यहीं पे स्टॉप किया जाए। तो यहाँ पर मैं यही बात बता रहे हैं, जो तीन पग भूमि मांगने के चक्कर में पूरा का पूरा संसार नाप लिया अपना शरीर को बढ़ा करके और फिर भी बोले जिन्होंने ये दान दिया उनको जो है बंधन में डाल दिए, ये कहाँ का ये क्या बोलते इसको न्याय है। तो 11 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अनेन याचमाने न शत्रुना बटुरूपिना सर्वस्वम नो हितम भर्तु अन्य दंडस्य वर्ष ही, करे हमारे स्वामी जो है यहाँ पर मैं स्वामी जो है दंड देने का जो है अधिकार खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यज्ञ में दीक्षित है, और जब कोई व्यक्ति यज्ञ में दीक्षित हो जाता है ना तो उनके शरीर में ना कोई काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष या किसी पे हिंसा कुछ नहीं आनी चाहिए। यही प्रसंग आप लोग देखे होंगे रामायण में भी आता है, जो भगवान विश्वामित्र जो है कई बार जो है यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तारका और उनके सुबाहु क्या क्या आते हैं और उनको नष्ट करके चले जाते हैं। तब जो है विश्वामित्र जी दशरथ से सहयोग मांगने के लिए गए हैं राजा दशरथ जी से, और भगवान राम और लक्ष्मण जी को ला करके उस यज्ञ को संपन्न किए हैं, क्योंकि उनके पास तो शक्ति थी विश्वामित्र जी के पास, लेकिन वो मार क्यों नहीं सकते, क्योंकि वो यज्ञ में दीक्षित होते थे। तो यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति कभी भी किसी का हिंसा नहीं कर सकता, इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण को बुला करके लाए। यही चीज यहाँ पर में हो रहा है, क्योंकि बलि महाराज तो यज्ञ में दीक्षित है उनको देने का, इसलिए वो कुछ प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको देख करके बलि महाराज के अनुचर ने क्या सोच रहे हैं, सत्यव्रतस्य सततम् दीक्षितस्य विशेषत नानितम् भासितुम् शक्यम् ब्रह्मणस्य दयावत। ये कह रहे हैं यहाँ पर मैं इस श्लोक में बलि महाराज के गुण को गाया जा रहा है। तो एक सिद्धांत आता है, कोई भी जो गुण आज हम सब वैष्णवों के अंदर है वो गुण आया कहाँ से, ये भगवान का ही गुण है। जब भगवान की भक्ति में भक्त लग जाता है ना तो भगवान के सारे गुण ऑटोमेटिक उस भक्त में आ जाता है। तो बलि महाराज भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्त हैं, इसलिए बलि महाराज के अंदर में सारे गुण आ गए हैं। और ये कह रहे हैं, इनके अनुचर बोल रहे हैं, हमारे जो स्वामी हैं बलि महाराज ये तो खास करके ब्राह्मणों के लिए एकदम दयालु हैं, इनके हृदय कपट से कपट विहीन है,
और क्या बोले सदैव हैं, दयालु हैं, और कभी बलि महाराज झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए सत्य का दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और ऐसे महाराज को जो है ना हमें मदद करना चाहिए अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए। तो इसको देख करके जो है ना अब भगवान पे जो वामन देव पे आक्रमण करने के लिए उनके मन में यह विचार आ रहा है। अब कह रहे हैं 13 नंबर के श्लोक में, यहाँ पर मैं बता रहे हैं जो तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तु शुश्रु सनाम चनह इत्यायुधान जग्रीहुर बलेर अनुचुचुरा। अतएव इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है, ये सब सोच करके उनके अनुचर ने अपने स्वामी को खुश करने के लिए, उनको मारने के लिए अपने हाथ में जो है ना हथियार लेकर के तैयार हो रहे हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर मैं सोचने, देखिए बलि महाराज उनको मना कर रहे हैं, आप वामन देव के अनुचर पे या वामन देव पे आप जो है ना हथियार नहीं उठा सकते, ये स्वयं भगवान हैं। तो जो मूर्ख प्राणी होगा वही तो व्यक्ति भगवान से लड़ाई करेगा और भगवान से युद्ध करेगा, वही व्यक्ति लड़ता है ना। जैसे देखिए इंद्र के इंद्रलोक में, देखिए इंद्रलोक में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी द्वारकाधीश ना, अपनी पत्नी सत्यभामा को ले गए थे ना, और उन्हीं को इंद्र की माता को जो है ना कुंडल दिए और उनको सब कुछ प्रसन्न किए, और जब वहाँ से पारिजात लेकर आ कहते हैं इंद्र इस समय भूल गया ये भगवान है, इससे युद्ध करना कितना बड़ा हमें संकट मोल लेगा। तो जो एस्ट्राइन होता है वो भगवान को भी सामने देख करके उनसे भी युद्ध करने में लग जाते हैं। तो ये निरीह मूर्खता है, व्यक्ति सबसे युद्ध कर लो, भगवान से युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कह रहे असुर का स्वभाव होता है वो भगवान से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और बलि महाराज यहाँ पर मना कर रहे हैं, भाई किसके साथ युद्ध करने जा रहे हो ये भी तो सोचो, इसका तुम लोग पार कर सकते हो, पार पा सकते हो क्या, इसलिए तुम लोग युद्ध मत करो। लेकिन बलि महाराज के जो अनुचर रहे ना अपने कर्तव्य को समझ करके युद्ध में माने युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है ना भागवत में, जैसे रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यपु है, ऐसे कई सारे पर्सनैलिटी हैं आतंकवादी सब, जो भगवान को जीतने के लिए ही हमेशा उनसे युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसलिए 14 नंबर में ये श्लोक में बता रहे हैं जो बलि महाराज की ये इच्छा नहीं थी, ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टीस पानयः अनिक्षन्तो बलेराजन् प्रादव्यांजलमन्यवम। ये उनकी अनिच्छितो बलेराजन्, ये बलि राजा बलि को ये इच्छा नहीं थी जो ये लोग युद्ध करे। तान भी द्रवतो दृष्ट्वा दिति जानीक पान नृप प्रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्येषद्धूंदायुषा। अब इसके बाद जो है ना भगवान विष्णु के जो सहयोगी सब है ना, यहाँ पर मैं भगवान विष्णु के सहयोगी सब यहाँ पे आएंगे। नंद सुनंदो अथ जयो विजय प्रबलो बल कुमुदः कुमुदाक्षस्य विश्वक सेन पतस्त्रिराट जयंतः सुतृदेवस्य पुष्पदंतो अथ सात्वत सर्वे नागायुत प्राणाश्चुमुंते जघ्नुरासुरीम। जैसे ही बलि महाराज के अनुयायी सब भगवान पे आक्रमण करने के लिए, वामन देव पे आक्रमण करने के लिए उद्यत हुए, तो भगवान के 10 मुख्य सखा पार्षद हैं जिसके नाम यहाँ पर मैं श्रील सुखदेव गोस्वाम करें, नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक सेन गरुर जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत। ये भगवान श्री कृष्ण के संगी हैं, ये 10-10 हजार हाथियों के बल से समन्वित हैं, और ये बलि महाराज के जो अनुयायी सैनिक जो है भगवान वामन देव पे आक्रमण करें, तो इसको देख करके ये लोग हंस रहे हैं।
हन्यमानान स्वकान दृष्ट्वा पुरुषानुचरेर बली भारयामास सरब्धान काव्यशाप मनुस्परन। अब भगवान पे जब आक्रमण किए ये सारे के सारे अनुयायी, तो भगवान के जितने पार्षदगण हैं, सखागण हैं, इनको मार दिए। और मरते हुए देख करके बलि महाराज जो है इनको मना कर रहे हैं, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे, श्रूयताम बच, मेरी बातों को सुनो, हे विप्रचित, हे राहो, हे नेमे, मा युद्ध्यत, बंद कर दो, युद्ध को बंद कर दो, निवर्त ध्वम न नह कालो अर्थकृतम, इस समय में हमारे काल जो है ना हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए आप लोग युद्ध बंद कर दो। यही पहले समय था जब हमारा काल अनुकूल था, तो यही देवता को हम लोगों ने, आप लोगों ने ही जो है हराए थे, परास्त किए थे, लेकिन आज उनका काल जो है उनके पक्ष में है, हमारे विपरीत में है, इसलिए हमें युद्ध से रोक देना चाहिए। ये बात जो है बलि महाराज अपने अनुचरों को बता रहे हैं और कह रहे हैं, उन भगवान के साथ आप लड़ने का प्रयास कर रहे हो जो सभी सुखों को, सभी जीवों को सुखों और दुखों को देने वाले हैं, ऐसे यह प्रभु सर्वभूतानाम सुख दुखोपपत्तये तम नाति वर्तितुम दैत्या पौरुषेर ईश्वर पुमान। परम नियंता भगवान श्री कृष्ण पुरुष पे आप जो है आक्रमण कर रहे हैं, जो आप लोग इनका पार नहीं पा सकते, क्योंकि यही सब कुछ इस सृष्टि में सभी जीवों को जो है ना देने वाले हैं। यो न भवाय प्रागा सीद भवाय दिवोकसाम सो एव भगवानद्य वर्तते तद विपर्ययम्। कह रहे फिर से, कह रहे हैं बलि महाराज फिर से कह रहे हैं, जो अभी हमारे जो है अनुकूल नहीं है काल, इसलिए देवताओं के अनुकूल है, इसलिए आप जो है उन भगवान पे प्रहार मत करिए, जिस भगवान, जिन भगवान के शक्ति के सामने में मद भयात बातो अयम, जैसे हवा भी जो है ना भय से चलती है, अग्नि जलती है, सूर्य चमकते हैं, चंद्रमा, जो सारे के सारे जगत जो है काम करते हैं, इस जगत में जो भी चीज़ दृष्टिगोचर होता है कार्य कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र, ये भगवान के आदेश से ही हो रहा है, इनके डर से मृत्यु भय भी भयभीत होते हैं, ऐसे भगवान पे आप जो है आक्रमण करने वाले हैं, आक्रमण क्यों कर रहे हैं, ये अभी हमारा समय अच्छा चल नहीं रहा है, हर पल क्या कहते हैं होता ना एक समाना, हमेशा समय एक नहीं होता है, कभी कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी, देखें आप लोग मायापुर में देखेंगे नाव को, जो बोट को एक जगह से दूसरे जगह कभी समुद्र में डालना होता है, या आप मान लीजिए गंगा नदी में डालना, तो बोट आती किस पे, गाड़ी पे भी आती है, लेकिन कभी कभी बोट जो है, मैंने तो अभी इस बार हम लोग जो पिछले साल बस पट संकीर्तन बस लेके गए थे, तो मायापुर में बड़ी बड़ी बस जो है ना बोट पे आकर के इस नदी को क्रॉस करके उस पार चली जाती है, इतना बड़ा बड़ा, मैंने एक बार में कई एक दो गाड़ी जो है आकर के उसको लेके चले, हमारी बस डायरेक्ट उस बोट में घुस गई, बकरे यार ये कैसे होगा, मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा था ऐसा बोट, तो कह रहे कभी समय ऐसा होता है जो बोट पे, बोट जो होती है गाड़ी पे होती है, कभी गाड़ी में बोट होती है, तो इसलिए कह रहे हैं बलि महाराज हमारा समय अनुकूल नहीं चल रहा है, इसलिए बेटा अभी जो है ना छोड़ दो, भगवान के जो है ना ये सब चीज़ें करना छोड़ दो। अब यहाँ पर मैं 22 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, जो बलेन सचिर बे बुद्ध्या
दुर्गेर मंत्र साधि भी समाधि भीर रूपाय सकालम नातेति वै जन। बलेन बल द्वारा सचिव मंत्रियों के सलाह से बुद्धि के द्वारा किलों के द्वारा मंत्र औषध आदि भी मंत्र या औषधियों के द्वारा साम आदि भी राजनीति के द्वारा या अन्यत और साधनों के द्वारा इन सब कई उपायों से भी अत्येति न अत्येति भई जना कोई भी व्यक्ति भगवान को जीत नहीं सकता। ये काल जो है भगवान का प्रतिनिधि है, काल को कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता। ये बात जो है बलि महाराज अपने चीज बता रहे हैं, लेकिन ये बात असुर नहीं समझ पाता है, समझ रहे ना। असुर ये सोचता है काल क्या करेगा हमारे सामने में, काल क्या है, मैं तो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। यही सबसे बड़ी निरीह मूर्खता है। जो समय अनुकूल न हो तो हाथ खड़ा करके बैठ जाना चाहिए। परिस्थिति जब अनुकूल न हो ना, एक बार मैंने प्रश्न पूछा था ही जो ने भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज को, जो आप जब भक्ति में आ गए तब भी लग रहा है हमारे जिंदगी में चारों तरफ जो है सब कुछ विपरीत परिस्थितियां चल रही है, कुछ भी अनुकूल ना दिख रही है, तो महाराज जी एक ही शब्द में इसका आंसर दिए थे, पेशेंस। आप धैर्य के साथ समय का इंतजार करिए। श्रील गुरुदेव हिजोलिनेश राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, जब जोर की आंधी तूफान आ रहा हो, जब जोर की आंधी तूफान चल रहा हो, उस समय में आंधी तूफान में रास्ता में आप बीच में फंस गए हो कहीं, तो कह रहे बैठ गवाए, समय को गवाना चाहिए बैठ करके, क्योंकि अभी आंधी चल रही है। अगर आपने आंधी के प्रतिकूल में आपने कुछ भी चलना रास्ता तय करने का प्रयास किया ना, तो कई बार ऐसा देखा जाता है आंधी का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, ट्रक जैसी विशाल विशाल गाड़ी को हवा के झोंका फेंक देता है दूर तक। छोटी मोटी गाड़ी और मनुष्य की क्या, तो कह रहे बैठ गवाए, कह रहे बैठ करके समय को गुजार लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही बलि महाराज इसी सिद्धांत को बोले, अभी हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, दैव जो है भाग्य अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें बैठ करके हमें इनके तरफ नहीं लगना चाहिए। आज का जो 23 नंबर श्लोक है यहाँ पर मैं बता रहे हैं, जो किसी भी भगवत गीता में एक श्लोक है ये बात बता रहे हैं, हार जीत को प्रतिपादित करने के लिए ना इसके 5 मुख्य कारण होते हैं। 18.13 कोई भी कर्म यहाँ पर मैं निर्धारित करने के लिए यहाँ पर मैं आपको 5 मुख्य कारण होते हैं इसके, और वो 5 मुख्य कारण क्या है, पंचेतानी महावाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतांते प्रोक्तानी सिद्धये सर्वकर्मणाम। समस्त कर्म के पूर्ति के लिए ना 5 मुख्य कारण है, और वो कारण कौन सा है जो है यहाँ पर मैं बता रहे हैं, क्या नाम था उसका, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च वान्नपक कमम। करें कोई भी काम को करने के लिए 5 मुख्य चीज होता है, और वो वर्ड बता रहे हैं, पहला शरीर। कोई भी काम हम करते हैं हार या जीत या कोई भी कर्म प्रतिदायित करने के लिए पहला मुख्य है शरीर, जो कर्म क्षेत्र जो जहाँ पे हम कर्म करते हैं यानी कि शरीर, तो शरीर। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर मैं अधिष्ठानम तथा कर्ता, और शरीर के माध्यम से शरीर के अंदर में कौन है, कर्ता। कर्ता कौन, यहाँ पर मैं आत्मा को बोले हैं, क्योंकि काम तो करने वाला तो आत्मा है, शरीर तो काम नहीं करता है, आत्मा ही जो है इस शरीर के माध्यम से काम करते हैं। और कर्णम च पृथक विधम, और वो कराता कौन है, आत्मा जब काम करने के उनके मन में भाव होता है ना, तब जा करके क्या करता है, ये आत्मा इंद्रियों को जागृत करता है, सक्रिय मोड में लाता है, और उस इंद्रियों के द्वारा वो काम करता है। तो कह रहे पहला कारण शरीर, दूसरा कारण आत्मा कर्ता, और तीसरा कारण उनकी इंद्रियां,
और इंद्रियों में जब काम करने का बल आता है, कोई चेष्टा, तो वो चेष्टा करता है, इच्छा करता है। तो इच्छा हुआ चौथा कारण और सर्व मूल कारण हुआ सारे कर्मों का, वो है परमात्मा जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। तो मुख्य कर्ता कौन हुआ? परमात्मा। परमात्मा अगर नहीं रहेगा ना तो कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए यहां पर मैं कह रहे हैं अभी परमात्मा यानी कि जो काल के रूप में है वही हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें अभी उनके अगेंस्ट में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें उनके उनसे लड़ने के लिए जो है नहीं जाना चाहिए। इसलिए किसी भी हार जीत को निर्धारण करने के लिए सबसे मुख्य कारण है, यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नत दैवात परम बलम। सबसे मुख्य है बला, ये दैवात कह रहे हैं, हमारे जो दैवात शब्द का मीनिंग यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं भाग्य। भाग्य जो है भाग्य ही सब कुछ करता है। और यहाँ पर मैं एक श्रुति का एक मंत्र है जिसमें ये बात पांच चीज़ें लिख रहे हैं, नच विद्या समा बंधुर च व्याधि समोरिपु न चापत्य समह स्नेहो न च दैवात परम बलम। कह रहे हैं इस जगत में सबसे बड़ा बंधु उसका कौन है? उसके द्वारा प्राप्त किया गया विद्या और ज्ञान। क्योंकि व्यक्ति जब विकट परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में फंसता है ना, तो उससे निकलने के लिए उनके अंदर में जो ज्ञान और विवेक है, बुद्धि है, विद्या है, वही उसको निकाल सकता है उस परिस्थिति। इसलिए उसका सबसे बड़ा बंधु है। कह रहे हैं चौ व्याधि समो रिपु। और सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति का कौन है? अगर व्यक्ति के शरीर में कोई व्याधि लग गई, रोग लग गई, तो वो रोग जो है उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोग का निदान अगर समय पे नहीं किया जाए, भागवत के दसम स्कंद में भगवान बता रहे हैं जो अग्नि को, ऋण को, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और दुश्मन को, चार चीजों को बता रहे हैं। इनको अगर आपने गलती कर दिए छोटा समझ करके, और छोटी सी बीमारी पूरा इतना बड़ा हो जाता है ना, तो तुरंत आदमी को ख़त्म कर देता है। और आग की छोटी सी चिंगारी अगर कहीं है, अगर आपने उसको बुझाया नहीं और उसको मिल गया सहना, तो बड़े बड़े गांव को जला के राख कर देती है, समझ रहे हैं। और ऋण किसी पे अगर कर्जा है ना, करे 5 रुपया तो कर्जा है, छोड़ो कभी दे देंगे, और वो 5 रुपया कब 5 करोड़ बन जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए इन सब, और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझे, ये चार चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कह रहे रोग सबसे बड़ा दुश्मन है। रोग अगर शरीर को लग जाता है ना, तो भजन भी ढीला हो जाता है, सब कुछ ढीला कर देता है, कुछ भी करने लायक नहीं बना छोड़ता है। न चापत्य सम स्नेहो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेह किससे होता है? भगवान से भी ज्यादा व्यक्ति को अपने पुत्र बंधु बांधव से होता है, अपने पुत्रियों सबसे होता है। और न च दैवात परम बलम, और भाग्य ही उसका सब कुछ होता है। तो कह रहे किसी भी कर्म को करने के लिए यहाँ पर में परमात्मा ही सब कुछ है। और इसलिए परमात्मा जब अनुकूल हो तभी जा करके हमें कुछ भी करना चाहिए। तो इसलिए भाग्य कब हमारा अच्छा बनेगा? भाग्य तभी तो अच्छा बनेगा जब हम भक्ति के अनुकूल काम करेंगे, भगवान के अनुकूल काम करेंगे, शास्त्र के, साधु गुरु शास्त्र के अनुकूल काम करेंगे, गुरु के अनुगत में रह करके काम करेंगे, तभी तो हमारे अंदर में वो भाग्य प्रतिष्ठित फुटित होगा। अगर गुरु के विरोध में, शास्त्र के विरोध में कोई हमने काम किया, तो हमारे जो भाग्य आना होगा ना, वो भी दूर चला जाएगा। तो इसलिए जो कृष्ण भक्ति में जो व्यक्ति लगा है ना, वो भी गुरु के गाइडलाइन में, उनके भाग्य बन जाते हैं। इसलिए अपना भाग्य अगर बनाना है ना, तो केवल और केवल भक्ति ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भाग्य को सुधार सकते हैं। कोई असुर का भाग्य क्यों बनेगा? असुर बलि महाराज या उनके अनुचर में इतनी शक्ति तब आया था ना, जब उन्होंने ब्राह्मण के फेवर में ब्राह्मणों की अथक सेवा किए, और ब्राह्मणों का जब उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ ना, तो वो देवता तक को भी खदेड़ दिए देवलोक से।
तो ये होता है आशीर्वाद से प्राप्त उनकी सेवा का। इसलिए भगवान की भक्ति करने से वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है जो गोलोक वृंदावन धाम तक को भी भक्त आसानी से चले जाते हैं, इस क्या बोलते हैं इसको, भव सागर को पार करके, जिसको पार करना बड़ी मुश्किल होता है। ये किसके माध्यम से संभव होता है? केवल और केवल भगवान की भक्ति। तो इस प्रसंग में हमें क्या शिक्षा मिलता है, इसके बारे में हम दो तीन चीज़ें समझेंगे। जो आज का प्रसंग है ना, आज के प्रसंग में कह रहे हैं भगवान अगर किसी से कुछ लेना चाहेंगे ना, या भगवान किसी को कुछ देना चाहेंगे, तो दो हाथ से व्यक्ति, भगवान अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो दो हाथ से व्यक्ति कितना बटोरेगा, और भगवान अगर लेना चाहेंगे तो अपने अनंत हाथों से लेने वाले ये दो हाथ वाला व्यक्ति कितना बचा पाएगा। और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें आपको दिख रही है, उसका परिपूर्ण अधिकार, वो पूर्ण संपत्ति किसका है? भगवान का। और बलि महाराज कह रहे हैं मैंने अपना वचन पूरा किया। कौन सा वचन आपने पूरा किया? जो संपत्ति आज आपने अपना समझ करके बैठे ना, यही हमारी तो निरीह मूर्खता है। आज हमारे मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, मेरा ये जमीन है, ये जमीन का नंबर, भाई ये भूमि आप अनल वायु खम मनो एवचा, ये दिया किसने, पैदा किसने किया? भगवान की संपत्ति को अपना समझ करके, और वो बोल रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भैया तुम्हारा ही चीज़ तुमको अर्पण करके, और मैं अपने आप को गौरवान्वित हो रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी बुद्धि विवेक की बात नहीं है। इसलिए भगवान की चीज़ अर्पण करें। अब यहाँ पर मैं भगवान वामन देव बलि महाराज की सहनशीलता को जागृत करने के लिए ये सारा का सारा एपिसोड रचे हैं, ये सारा भगवान की लीला है। देखिए ये शरणागति के जो मुख्य लक्षण है, 6 मुख्य लक्षणों को यहाँ पर मैं दिखाने के लिए, उसमें सबसे मुख्य लक्षण है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। ये आत्मनिक्षेप कार्पण्य जो ये, इसको प्रतिगोचर करने के लिए भगवान वामन देव ने ये पूरा का पूरा वरुण पास से अपने गरुड़ जी के द्वारा बलि महाराज का बंधन करवा दिए। सारी दुनिया ये देख रही है, ब्रह्मा तक भी विस्मित हो गए, ये भगवान कर क्या रहे हैं, भगवान पगला तो नहीं गए हैं क्या? जो वामन देव को सारी 3 पग भूमि इन्होंने मांगा था, 3 पग भूमि दिया, इवन 3 पग भूमि किया, अपने आप को भी समर्पण कर दिया ये बलि। और बलि जब अपने आप को भी समर्पण कर दिया तब भी भगवान ने इनको बंधन कर दिया, ये तो सरासर अन्याय है ना। लेकिन ये अन्याय नहीं है, बलि महाराज की सहनशीलता को कह रहे हैं भगवान आप हमारे सर पे, मैं अपनी अहमता को दे रहा हूं आपको। व्यक्ति सब कुछ दे देता है, अपनी अहमता ममता को नहीं दे पाता है, ये मेरा है, मैं मेरा करता, मैं करते करते बकरी की तरह मर जाता है। तो इसलिए मैं मेरा को सबसे पहले देना है, अब वो भी दे दिए हैं। इस सहनशीलता को दिखाने के लिए भगवान बांध दिए हैं, और तब भी बलि महाराज हाथ जोड़ करके एकदम सहनशील सहन करके, और उस स्थिति में भी समभाव रख करके वहाँ पर में सच्चा समर्पण इसी को बोलते हैं। सब कुछ खो करके भी व्यक्ति अगर धैर्य नहीं खोता है, सब चीज खो करके भी व्यक्ति अगर अपना क्या बोलते हैं समभाव को नहीं छोड़ता, तो ऐसे बलि महाराज की गरिमा को करने के लिए ही भगवान जो है ये एपिसोड दिए। सामान्यतः इस जगत में होता क्या है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन को प्राप्त लेता कर लेता है ना, तब उसको उस दुनिया में धनवान की ख्याति मिलता है। लेकिन इसके विपरीत हो रहा है, बलि महाराज का सब कुछ चला गया तब पूरी जगत में उनकी ख्याति फैल गई, तभी तो भगवान स्वयं उनके जो है द्वारपाल बन करके आज भी सूतल लोक में है। तो कितनी बड़ी ख्याति है, जो व्यक्ति धन को प्राप्त करके वो ऐश्वर्य, वो क्या कहते हैं
ख्याति को प्राप्त करता है वो बलि महाराज, उस धन को खो करके वो प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर मैं जो ये अभी हमने करीब 15 करीब श्लोक हमने जो देखा और इस प्रसंग से ये दो मुख्य बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे हमें अपने जिंदगी में धारण करना चाहिए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हमारे मुख से अनंत गलतियां यहाँ पे हुई हैं तो हम शास्त्र तो जानते नहीं हैं, इसलिए आप सब वाणी को सुधार करके ग्रहण करिएगा। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं।